Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss about the syllabus of mathematics of BSc second year of Vidyapeeth. So this syllabus is for Vidyapeeth, Mahatma Gandhi Kasi Vidyapeeth. So the paper first hai BSc second year ka, wo hota hai linear algebra and matrices. Paper second, differential equations and integral transform. एंड द थर्ड पेपर इज मैकेनिक्स. एंड मैकेनिक्स में दो पार्ट हैं, डायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. अब इसमें ये सारे पेपर जो है 50 मार्क्स के आते हैं. 50 वन मिनट. ये पेपर होता है आपका 65 और ये 70 मार्क्स का. तो ये पेपर थोड़ा बड़ा है. तो इसमें जो लीनियर अलजेब्रा है यूनिट फर्स्ट से लेके थर्ड तक लीनियर अलजेब्रा है, और मैट्रिसेस जो है वो एक यूनिट है, यूनिट फोर. उसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट टू थर्ड, फर्स्ट टू थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक लास्ट यूनिट है फोर्थ यूनिट, वो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है. सेम पैटर्न यहाँ भी है मैकेनिक्स में. यहाँ डायनेमिक्स का फर्स्ट टू थर्ड थ्री यूनिट डायनेमिक्स से होता है, और एक यूनिट होती है स्टैटिस्टिक्स के. तो तीनों पेपर में चार यूनिट होते हैं, और चारों यूनिट का पैटर्न कुछ इस तरह से है कि जो फर्स्ट पार्ट है उनका वो तीन यूनिट का है, और जो सेकेंड पार्ट है, जो सेकेंड पार्ट है वो एक एक यूनिट है. मैट्रिसेस एक यूनिट, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एक यूनिट, और स्टैटिस्टिक्स एक यूनिट. लेकिन ये ना समझिए कि जो एक यूनिट है वो काफ़ी छोटा है या काफ़ी आसान है. सभी का एक एक यूनिट बहुत ही लेंदी और बहुत ही अच्छे नंबर उठाने वाला है. तो मैट्रिक्स आपका कुछ मिलता जुलता है, जो पीछे इंटर में पढ़े हैं वहाँ से, वो अब यू पढ़े होंगे जो इंटर में हिंदी वाले हैं, तो वो सेम चीज़ है, उसी को आगे बढ़ाना है. तो मैट्रिक्स है जो लगभग कवर करता है करीब करीब 25 मार्क्स के राउंड, और ये 40 मार्क्स. सेम यहाँ भी है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म करीब 25 मार्क्स को कवर करता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन 40 मार्क्स को. और उसी तरीके से जो डायनेमिक सेक्शन है वो यहाँ पे 40 मार्क्स, और ये करीब 25 मार्क्स. अब उसमें ऑप्शन होते हैं, आप चाहें तो इधर से 45 कर लें, यहाँ से ये लगभग 30 मार्क्स, या यू कैन से 25 एंड 45 लगभग. तो काफ़ी पार्ट कवर करता है डायनेमिक्स, तीन यूनिट है, और ये पार्ट काफ़ी लंदी है, काफ़ी लेंदी पड़ता है. तो शुरू से कायदे से इसको पढ़ेंगे तो उतना कठिन नहीं है, लेकिन अगर सही से नहीं इसको पढ़ा जाए तो यह काफ़ी कठिन हो जाता है. डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ चीज़ें इंटर में पढ़े हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ये वहाँ से कुछ काम आ जाएगा. इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में हमको पढ़ना है, जैसे कुछ नई चीज़ें यहाँ आएँगी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, और उसमें आता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो ये नई चीज़ होगी. तो यहाँ पे हम ऐसे इंटीग्रल्स या ऐसे फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम डायरेक्ट इंटीग्रल के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते, तो वहाँ पे लाप्लास और फोरियर यूज़ होता है. डायनेमिक्स, जैसा कि समझ रहे हैं, ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो डायनेमिक में हो वो डायनेमिक्स में आती है, गति कर रही हो, और जो रुकी हुई वस्तुओं की स्टडी होती है, उनके इक्विलिब्रियम के बारे में, स्टेबल होती हैं उनके बारे में, तो वो आता है स्टैटिस्टिक्स में. तो ये तीन पेपर हैं सेकेंड ईयर का, जो फर्स्ट ईयर से काफ़ी डिफरेंट है. फर्स्ट ईयर से ज़्यादातर कहीं भी लेना देना नहीं है, ट्वेल्थ से कुछ सेक्शन मिलेगा, तो आप शुरुआत वहीं से करेंगे ट्वेल्थ से. बुक्स के लिए
इसमें सिलेबस वाइज ही बुक ले लीजिए, चल जाएगा। जैसे कहता है केदारनाथ रामनाथ का, ये बुक अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो फिर आरपी राम प्रसाद या फिर चाहे तो कृष्णा भी ले सकते हैं, कृष्णा पब्लिकेशन भी ठीक है मैथमेटिक्स के लिए। उसी तरीके से सेम चाहे तो आप इसके लिए भी वही बुक ले सकते हैं, केदारनाथ रामनाथ और राम प्रसाद का, या कृष्णा भी ले सकते हैं। तो बुक्स के लिए आप सिलेबस वाइज ही खरीदिए, ज़्यादा टफ बुक ले लेंगे तो वो रखी रह जाएगी, पढ़ नहीं पाएंगे। तो ज़रूरी यह है कि सिलेबस वाइज बुक ही लीजिए। तो तीनों पेपर काफ़ी बड़े हैं तो इनको पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, और अभी टाइम जो बचा है वो 6 से 7 मंथ का रह गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके आप पढ़ाई स्टार्ट करें, क्लासेस स्टार्ट करें, और आपको 6 से 7 मंथ में आपको 3 पेपर पढ़ना है मैथ का। तो 3 पेपर सिर्फ इनका ही नहीं पढ़ना है, अगर इस हिसाब से भी सोचें तो 1 महीने में आपको लगभग 1 पेपर ख़त्म कर लेना है, 2 महीने में, अगर 6 मंथ में 3 पेपर करना है तो 1 पेपर को 2 मंथ में कंप्लीट कर लेना होगा। और इन 2 मंथ में आपको अदर सब्जेक्ट का भी जो 3-3 पेपर हैं, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी अलग अलग होंगे, तो फिजिक्स के 3 पेपर और फिर आपका केमिस्ट्री, उसी तरह केमिस्ट्री के 3 पेपर, तो एक तरह से काफ़ी कम समय बचा है। और ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं अगस्त से ही, तो जितना जल्दी हो सके क्लासेस ज्वाइन करिए और क्लासेस को स्टार्ट करिए प्रॉपर ढंग से, तभी ये आपका सिलेबस समय से ख़त्म हो पाएगा, अदरवाइज़ बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।